मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। आपको बता दें, छिंदवाड़ा डीएम के साथ एक गेस्ट टीचर की तूतू मैं हुई। पूरा मामला था वेतन यानी सैलरी को लेकर। 10 महीने से इस गेस्ट टीचर का कहना है कि 10 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। ये वीडियो भी फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोविंद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गोविंद, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है, क्योंकि जो वीडियो है वो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर। यहाँ पे जो गेस्ट टीचर और जो डीएम है उनके बीच कहा सुनी जो है वो वीडियो के जरिए सामने आ रही है। देखिए, छिंदवाड़ा के डीएम से मिलने ये जो ममता महिला है जिन्होंने अपना पेशेंस खोया हुआ है, ये डीएम से मिलने गई थी। उस दौरान इन्होंने डीएम को बताया, एक आवेदन दिया जिसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं कि 10 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिली है और ये गेस्ट टीचर है और 10 महीने तक का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, 10 महीने बाद इनको हटा दिया जाता है। ऐसा प्रोसेस पूरे मध्य प्रदेश में है। तो ये गेस्ट टीचर ममता जो है वो अपना पेशेंस खोते हुए और उन्होंने कहा कि अगर हमारी सैलरी नहीं मिलती है हमको तो हम सुसाइड कर लूंगी, जिस पर डीएम ये बोलते हैं कि जो करना है वो करो। तो कुल मिलाकर पहले तो ये बोलना ही गलत है कि मैं सुसाइड कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन इस पर डीएम का जो रिएक्शन आया कि आपको जो करना है सो करो, ये और भी हतप्रद करने वाला है, क्योंकि आप किसी इंसान को एंडोर्स नहीं कर सकते हैं। कोई सुसाइड करने की बात कर रहा है तो आप उससे कहें कि आपको जो करना है, कम से कम डीएम के पद पर बैठा हुआ शख्स इस तरह की बात करता है। तो कुल मिलाकर अभी इस पूरे वीडियो की वर्तना जरूर हो रही है, जिस तरह का बर्ताव अगर एक शख्स की या कुछ लोगों की 10 महीने से सैलरी नहीं मिलती है तो ऐसे में आपा खोना कई कुछ हद तक स्वाभाविक है, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है और जिसमें वो आवेदन लेकर महिला पहुंची हुई है, कुछ अन्य लोगों के नाम भी उस आवेदन में लिखे हुए हैं जिन्हें 10 महीने से सैलरी नहीं मिली है। ऐसे में अगर वो आपा खोती है तो हैरानी की बात नहीं है, लेकिन डीएम अगर उनकी बात जो कही जाती है कि मैं सुसाइड कर दूंगी और डीएम कहें कि आपको जो करना है सो कर लो, तो ये कुछ हद तक अटपटा जरूर नजर आता है। जी बिल्कुल गोविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और डीएम की बात की जाए तो जिले के कर्ता धर्ता होते हैं और आमतौर पर जो समस्या होती है लोग आखिरी पड़ाव पर डीएम के दरवाजे पर ही जाते हैं। क्या कुछ हुआ इस वीडियो को आप एक बार सुनिए। बात करना सीखो पहले, हमारे कुछ पढ़ी नहीं, हाथ में रख ली पर्ची और बस। इसको जरा पहले तो बैठा लेना। क्यों बैठा लेना? मैं बता रहा हूं जो बैठा बात करने का तमीज नहीं है मुझे। इसको पहले तमीज से बात करना सीखो। रहने दो, पेमेंट नहीं मिली। बोले जरा जैसे अधिकारी का अगर ये सुसाइड कर लूं ना मेरा मत मैं नाम लिख दूंगी। जो करना है करो। मुझे पेमेंट नहीं मिली और इस तरह से बात कर रहे हैं। कितने परेशान हो रहे हैं आपके दिमाग से खुद से। ऊपर से आप ही ले लिया 100% रिजल्ट लाइए जलाइए। चिल्लाने से क्या होगा? चिल्लाने से क्या होगा? सांझे सुनिए था ना, मैं भी खाती हूँ अभी है। ठेर खा रही हूँ दाम पहले। आप अगर जो ये बोल रहे हो ना इसी आधार पे क्रिमिनल केस दर्ज हो जाएगा। क्या डालोगे क्रिमिनल केस? ये कि आपने धमकी दे रहे हो। सबको फंसा दूंगी। आप लिखो जो लिखना है, जो लिखना है।